नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दोपहर के फटाफट खबरों का। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का निधन हो गया है, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सासोली के निधन पर दुख जताया। आज युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। हरिद्वार धर्म संसद में आपत्तिजनक भाषणों की स्वतंत्र जांच वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कर्नाटक में बेंगलुरु के एक प्लांट में केमिकल लीक होने से कई कर्मचारी बीमार हो गए, जहां कर्मचारियों को अस्पताल भर्ती कराया गया। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट बनाई 5 सदस्यीय समिति, पूर्व जज इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा भाजपा के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने के मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि 1 साल का निलंबन निष्कासित बदतर है। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। गोवा सरकार में मंत्री रहे माइकल लोबो पत्नी संग कांग्रेस में हुए शामिल, भाजपा से दिया इस्तीफा। कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक दिन बाद फिर से बढ़ गई है, जहां 24 घंटे के अंदर 1,94,720 नए मामले मिले। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार के भविष्य के लिए जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय जनता दल के साथ आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में जो होने वाला है उसे देखकर बीजेपी और आरएसएस दंग रह जाएंगे। पंजाब के चंडीगढ़ पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले हफ्ते तक पंजाब के सीएम चेहरे का ऐलान किया जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती पर युवाओं ने बनाई 159 फीट की रंगोली। 12 कार्यकर्ताओं ने 11 घंटे में तैयार किया ये रंगोली। उत्तराखंड में डॉक्टर भानु आर्य नैनीताल से बने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। झारखंड के धनबाद में भाजपा के मौन धरना कार्यक्रम के दौरान अल्पसंख्यक युवक की पिटाई और थूक चटाई प्रकरण में जामतारा के विधायक इरफान अंसारी ने सांसद पीएन सिंह और विधायक राज सिन्हा पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रेलवे का लोहा चोरी करते पकड़े गए रेलवे सुरक्षा बल के 2 जवान समेत 11 लोगों पर GRPF ने FIR दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस पर अपने घर पर ही सूर्य नमस्कार किया और उसके बाद उन्होंने प्रदेश के युवाओं के नाम वीडियो संदेश दिया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पुलिस कर्मचारी भी कोविड के चपेट में आ रहे हैं, जहां अब तक 42 जवान हुए संक्रमित। जम्मू कश्मीर 100% टीकाकरण वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है, जहां स्वास्थ्य निदेशक ने टीकाकरण की रिकॉर्ड संख्या की उपलब्धि के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की निगरानी का सराहना किया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष को आसनसोल नगर निगम चुनाव में कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में रैली करने से रोक दिया गया, जिसके बाद पुलिस और घोष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दशकों तक उड़ीसा सिनेमा जगत पर राज करने वाले वरिष्ठ अभिनेता मिहिर दास का आज निधन हो गया। वे कटक के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। मुंबई में NCP के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि कई और विधायक होंगे सपा में शामिल, यूपी की सत्ता में होगा बदलाव। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी ने गुजरात लैंड ग्रैबिंग एक्ट 2020 को लागू किया था, जिसके तहत राज्यभर में 5,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई है। अब उसके खिलाफ याचिकाकर्ता का कहना है कि लैंड ग्रैबिंग एक्ट के संविधान सम्मत नहीं है। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और बच्चों संग राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंची, जहां वे अपना जन्मदिन मनाएंगी। त्वचा पर निखार के लिए तेजपत्ता का पैक बनाकर अपने चेहरे पर लगाएं। इसके लिए आप आधा चम्मच तेजपत्ता के पाउडर में कुछ बूंदे गुलाब जल मिलाकर उसका पेस्ट बना लें। उसके बाद चेहरे पर अच्छी तरह से लगा लें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद पानी से धो लें। ऐसा सप्ताह में 2 बार करने से आपकी त्वचा पर निखार आएगा।
साउथ अफ्रीका की धरती पर बतौर भारतीय कप्तान 1000 रन पूरे करने वाले विराट कोहली भारत के पहले बल्लेबाज बने, जहां साउथ अफ्रीका में बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर 911 रन बनाकर सौरभ गांगुली हैं। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ ने बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के लिए की गई विवादित टिप्पणी को लेकर माफी मांग ली है। बीते दिनों साइना नेहवाल ने पंजाब के भटिंडा में एक फ्लाईओवर पर पीएम के काफिले को 20 मिनट के लिए रोके जाने पर ट्वीट के जरिए चिंता जताई थी। इस पर साइना नेहवाल की चुटकी लेते हुए सिद्धार्थ ने विवादित ट्वीट किया था। तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।